पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयरफोर्स ने इतिहास रचा। मोदी के सामने वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहां मिराज में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। इन कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा पेश किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 16 नवंबर को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से वायु प्रदूषण के कारण पराली जलाने के प्रतिशत को स्पष्ट करने का आग्रह किया। गोपाल राय ने कहा, अपने हलफनामे में केंद्र ने वायु प्रदूषण में 4% और 35 से 40% दोनों के पराली जलाने के योगदान का उल्लेख किया। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए दोनों सही कैसे हो सकते हैं। मैं पर्यावरण मंत्री से डेटा सत्यापित करने का आग्रह करता हूं। पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए उन्होंने पेट्रोल डीजल के दरों में कटौती क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की थी। अब ये लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिन्हें उन्होंने वोट दिया था। करीब 18 लाख की आबादी वाले देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में अरविंद केजरीवाल के एक दांव ने बीजेपी कांग्रेस ममता बनर्जी सहित तमाम छोटे दलों को मुश्किल में डाल दिया। गोवा के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा। चुनाव के पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने घोषणा कर दी कि उनका सीएम भंडारी समुदाय यानी ओबीसी और डिप्टी सीएम कैथोलिक समुदाय से होगा। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मारा। मारे गए आतंकी की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक तीसरे शख्स अल्ताफ को भी ढेर किया। अल्ताफ एक सीमेंट व्यवसायी है और उसने आतंकियों को पनाह दे रखी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी, नए केस में 10 से 20,000 मामले। देश में बीते 24 घंटे में 8,865 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 11,926 मरीज रिकवर। इस दौरान 197 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25,45,00,000। महामारी से अब तक कुल 48,00,000 से ज्यादा मौत। 7,51,00,000 लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर जारी तनाव के बीच जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से कहा, तनाव से टकराव पैदा होने की आशंका, हमें इससे बचने के लिए गॉडरेल्स जैसा सिस्टम बनाने की जरूरत। गॉडरेल्स का मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाने से है जिससे अनचाहा संघर्ष टाला जा सके। शादी का सीजन शुरू होने से पहले सोने के दाम तेजी से बढ़े। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 49,443 रुपए के पार। बुलियन मार्केट में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए महंगा होकर 49,439 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। बुलियन मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड का रेट करीब 146 रुपए बढ़कर 45,033 रुपए पर कारोबार करता दिखा। चांदी 288 रुपए सस्ती होकर 66,689 रुपए किलो पर खुली। शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 396 पॉइंट्स टूटकर 60,322 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 पॉइंट्स टूटकर 11,999 पर बंद हुआ। बाजार का मार्केट कैप 269.61 लाख करोड़ रुपए रहा।